हमारे समाज की एक बात बहुत अटपटी लगती है कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, अच्छी समझदार हो गई है, हर चीज की समझ है, काबिल है, तो परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो। और लड़का जब बहुत बिगड़ जाता है तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो घर परिवार छोड़ के किसी को सुधारने आ रही है ना? उसके अपने सपने नहीं है, वो किसी बिगड़े हुए को सुधारने आ रही है। और चलिए 1% आप मान भी ले कि भाई अच्छा काम है, किसी की जिंदगी सुधर जाएगी, चलो 1% मान भी लिया, अगर नहीं सुधरा तो उस लड़की की तो पूरी जिंदगी खराब। तो इसीलिए निवेदन है जितने माँ बाप यहां बैठे हैं, जब दोनों समझदार हो, दोनों काबिल हो और दोनों शादी के लिए तैयार हो तभी शादी करिए। हमने जिंदगी में एक चेकलिस्ट बना दी है, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, उसमें शादी आ जाती है। शादी बहुत बड़ा फैसला है भाई। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50-60 साल एक कमरे में बिताने हैं, ये फैसला तो सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसीलिए जब भी करें 100 बार विचार करके करें। तो यहां पर नारद जी कहते हैं, तो ब्रजभानु जी ने कहा कि बात तो सही है, मेरा देखा परखा घर है, मेरे मित्र का आज अनजान घर में लड़की को दे भी तो 100 बार सोचना पड़ता है कुछ बोलने से पहले, मित्र का घर है। आज राधा जी को कुछ भी दिक्कत होती है तो ब्रजभानु जी को कोई दिक्कत थोड़ी है बात करने में, वो तो बेझिझक जाकर कह सकते हैं, उनके दोस्त है वो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो रिश्ता भेजते हैं। तो अब पत्र खाली सिर्फ पत्र तो नहीं भेजेंगे, धनवान व्यक्ति है, इनके अपने तामझाम है, तो 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, परात, जिसमें गिफ्ट्स तैयार करके शादियों में भेजते ना, तो 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में मेवा, किसी में सोना, किसी में मालाएं हैं। एक खोमचा खाली बच गया, उसमें मोती भर दिए। अब वो भगवान के घर पहुंचता है, अब भगवान को खबर लगी तो मन तो उनका भी खुश तो हो रहे हैं, लेकिन फिर खुश होते होते ही उनकी नजर मोतियों के खोमचे पर गई, फिर से बात याद आ गई। भगवान यहां एक लीला करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा हिस्सा मोती का उठाया और वहां से चले गए। अब नंद बाबा आए, नंद बाबा को मोती कम लग रहे हैं, तो नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहां कोई आया था? बोले कृष्ण बलराम आए थे। बाबा कहे अपने ही घर में चोर है, दूसरे से क्या पूछना। उन्होंने आवाज लगाई, कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? भगवान कहे हाँ उठाए। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। और सच में वो घर के पीछे लेकर जाते, जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। अब भगवान कहे एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। उन्होंने 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे। अब सामान गया, राधा जी के चेहरे पर एक बार के लिए तो मुस्कुराहट आती है। अब सब थाल पर कपड़े लगे हैं, वो देख रही है क्या क्या सामान आया। पहला कपड़ा हटाती है, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, और जोर से रोने लग गई, क्योंकि बाकियों को नहीं पता, उनको पता है कि ये मुझे दिखाने को ही भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। यानी उनको लग रहा है कि इनको बात इतनी चुभ गई। अब वो बहुत उदास हो गई, बहुत उदास हो गई। तो ब्रजभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही,
किसी से बात नहीं कर रही, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती है। भगवान का भी मन विचलित हो गया, अब भगवान का अब तो मनाना पड़ेगा, और सीधे सीधे नहीं जा सकते, क्या पता ये मेरे लिए ही कहानी करी हो। जैसे ही वहां पहुंचू वैसे ही कह दे एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। और अभी तक किसी को नहीं पता कि झगड़ा हुआ है तो मना रहे, ये भी सबको क्यों बताना, जबरदस्ती तमाशा क्यों करना, दोनों के बीच की बात है। तो भगवान कह रहे ऐसा क्या करूं कि जो भी रहे बात हम दोनों के बीच ही रहे। तो भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ती है, उनको एक तरकीब सूझती है। राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी, तो भगवान ने खूब सारी अलग अलग रंग की चूड़ियां इकट्ठा करी, घाघरा दुपट्टा सब लगाया, मनिहारी का वेश बनाकर वो बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। राधा जी का आवाज तो जानी पहचानी लग रही है,